और यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया फरमान, धरने पर क्यों बैठे पहलवान। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप 9। यूपी के मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस में पढ़ाई होगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड की कल हुई बैठक में कहा गया कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अनुदानित मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। अब मदरसों में छुट्टी भी शुक्रवार की जगह रविवार को होगी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस भेजा है और 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। देश के दिग्गज पहलवानों ने कल जंतर मंतर पर धरना दिया और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोप लगाया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। वे हरियाणा में यात्रा के दौरान कुक के रोल में नजर आए। राहुल गांधी कारगिल युद्ध के हीरो दीपचंद के साथ कुकिंग कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में एंट्री करने वाली है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बारात में उस वक्त मातम पसर गया जब नाचते नाचते दूल्हे का दोस्त अचानक गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 32 साल के इस युवक को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरी घटना तस्वीरों में कैद है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में हियरिंग के लिए आए एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने तुरंत CPR देकर उसकी जान बचाई। यशपाल गर्ग चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव भी हैं। रायसेन भोपाल मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक कार डिवाइडर से टकरा कर दो बार पलट गई। इस कार में एक ही परिवार के दो बच्चों सहित 7 लोग सवार थे जो भोपाल से सागर जा रहे थे। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ये पूरी घटना रोड के किनारे लगे CCTV में कैद हो गई। हरियाणा के पानीपत में तिरंगे को बचाने के लिए एक दमकल कर्मी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पानीपत के एक स्पिनिंग मिल में आग लग गई थी जिसकी छत पर तिरंगा लगा हुआ था। दमकल कर्मी सुनील महला ने तिरंगे को जलने से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए छत पर चढ़ गए और उसे सुरक्षित उतार लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे और इसमें सवारी भी करेंगे। यूपी में अयोध्या के नरसिंह मंदिर के महंत राम शरणदास 10 जनवरी से लापता है। महंत की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। 6 महीने पहले नरसिंह मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया था। तब उन्होंने मंदिर के ही एक पुजारी राम शंकर दास से अपनी जान को खतरा बताया था।